हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मुजिंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं गुजराती चेस चैनल जिसका नाम है गुजराती चेस जोन। मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था हाउ टू प्ले अगेंस्ट बिशप c4। आज मैं वही आपको दिखाने जा रहा हूं, बिशप c4 के सामने नाइट g5 जो अटैक आता है उसके सामने कैसे खेला जाए। तो उससे पहले हमने डीप में देखा था, आज मैं आपको एक नॉर्मल लाइन बता रहा हूं कि कैसे आपको अगर ये सब टेक्निक्स मतलब ज़्यादा टैक्टिक्स में नहीं पढ़ना है और पोजिशनल प्ले करना है तो आप कैसे खेलना चाहते हो। तो सबसे पहले e4 e5 दोस्तों, ये सभी वीडियो और जो भी मैं आपको ओपनिंग दिखा रहा हूँ आप हो सके तो इसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और उसी से आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं नोट डाउन करने के बाद। यहाँ पे हम देखेंगे e4 e5 Nf3 Nc6 नाउ बिशप c4। मैंने आपको बताया था कि नाइट f6 करना और सामने वाले को हम ट्रैप में ले सकते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ये झंझट में नहीं पड़ते, सिंपल प्ले करते हैं, क्यों नाइट g5 अलाउ करें, वो उसका भी हमारे पास एक बेस्ट मूव है। क्यों नाइट बिशप c4 के सामने आप पहले बिशप e7 के लिए, बिशप e7 से ये नॉर्मल लाइन हो जाएगी, वाइट खेलेगा d3, उसके बाद आप नाइट f6 और उसके बाद में वाइट कैसल, ब्लैक कैसल, रुक e1, d6 d6 आइडिया बिहाइंड दिस मूव नाइट a5 और c5 का प्लानिंग है। वाइट a4 करेगा, नाइट a5 दोस्तों यहाँ पे a4 जरूरी है। a4 अगर वाइट नहीं करता है तो नाइट a5 में उसका वाइट जो डायगोनल वाला बिशप है सबसे पावरफुल बिशप होता है बिशप ओपनिंग में, तो वो बिशप हमें मिल जाएगा नाइट के बदले। तो इसीलिए वाइट को a4 करना यहाँ पे ज़रूरी है। लाइक उसने कुछ a4 नहीं किया है और सपोज यहाँ पे नाइट c3 वगैरह खेला है तो आप सिंपल नाइट a5 करके नाइट वर्सेस बिशप एक्सचेंज कर लोगे और ब्लैक की गेम बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे वाइट को a4 जरूरी है। आफ्टर नाइट a5 वाइट खेलेगा बिशप a2। इस गेम में वाइट लाइट स्क्वायर बिशप देना नहीं चाहेगा, तो बिशप a2, उसके बाद यहाँ पे आपको खेलना है c5 c3 और सेंटर कंट्रोल, थ्रेट है d4 की, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों इसमें d4 से भी। वापस आपको नाइट c6 सेटल कर देना है, उसके बाद nbd2 मेन लाइन में h6 जरूरी है, नाइट g5 और बिशप g5 कोई भी पीस वहाँ पे आए नहीं। जितना ज़्यादा स्क्वायर कंट्रोल स्पेस कंट्रोल आपके हाथ में होगा उतनी ही गेम आपकी पावरफुल रहेगी। चेस में दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी है स्पेस एडवांटेज, तो खास करके स्पेस का एडवांटेज लेना मत भूलिए और सामने वाले को हो सके उतने कम स्पेसेस दीजिए, आपके पीसेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना जरूरी है। तो h6 के बाद नाइट f1 re8 नाइट g3 और बिशप f8। अब ये स्ट्रक्चर ब्लैक के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद आपको क्वीन c7 और जैसे कि वाइट कुछ भी खेलता है सपोज, तो आपको क्वीन c7 और बिशप g4 वगैरह अलग अलग प्लानिंग करने हैं। rb8 खेल सकते हो, फिर डिपेंड्स है गेम के ऊपर वाइट क्या खेलता है। तो ये थी एकदम नॉर्मल और सिंपल लाइन बिशप ओपनिंग के अगेंस्ट। उसमें हम दूसरा वेरिएशन भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो तुरंत d4 आता है तो क्या करना है आपको। जैसे कि बिशप e7 के बाद में वाइट अगर डायरेक्ट d4 करता है, ये लाइन स्कॉच में कन्वर्ट होती है और e5 nf3 nc6 bc4 nf6। यहाँ स्कॉच के बारे में दोस्तों बहुत लंबी लाइन है जो मैं आज आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे पूरा डिटेल में वीडियो बनाना है और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप वो भी देख सकते हो। तो हर सैटरडे या संडे मेरा एक वीडियो अपलोड होता है, तो आप
अब हो सके तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो मिस नहीं होए और वन बाय वन आपको सभी ओपनिंग सीखने को मिले। दोस्तों मेरा मेन टारगेट है कि जितनी भी हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा ओपनिंग आपके सामने प्रेजेंट करूँ। तो चलिए दूसरी देखते हैं लाइन। यहाँ पे आरोनियन वेरिएशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर कोई बिशप लाइन नहीं खेलता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रुई लोपेज के सामने क्या करेंगे। रुई लोपेज के सामने आपको लियोन आरोनियन का एक बेस्ट वेरिएशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको e4 e5 वाइट प्लेस नाइट f3 नाइट c6 देन बिशप b5। दोस्तों ये है रुई लोपेज ओपनिंग। इसके बाद बहुत सारी ओपनिंग है जैसे कि मार्शल अटैक। मार्शल अटैक में के बारे में मैंने 3 साल पहले यही चैनल में वीडियो अपलोड किया था, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, बहुत ही पुराना वीडियो है मार्शल अटैक। तो वो मार्शल अटैक कैसे किया जाता है वो पूरा मैंने समझाया था उसमें, लेकिन फिलहाल कोई मार्शल अटैक होने नहीं देते इसलिए मैं नया लेटेस्ट वीडियो में मार्शल अपलोड नहीं कर रहा हूँ। अभी हम जो प्रोफेशनल के वर्ल्ड में लेटेस्ट कौन सी लाइन खेली जाती है उसी के ऊपर हमें रिसर्च करके गेम वीडियो ओपनिंग बनानी होती है ताकि पब्लिक आप जो मेरे चाहने वाले हैं जो वीडियो मेरे लगातार देख रहे हैं उनके लिए मैं बेस्ट से बेस्ट ओपनिंग लेटेस्ट में क्या है वो ला सकूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं रुई लोपेज अगेंस्ट नाइट e7 ng e7। ये एक बहुत ही लियोन आरोनियन को बहुत ही अच्छा लग रहा था ये वेरिएशन और मैंने भी बहुत बार ट्राई किया और मैं इसमें ऑलवेज सक्सेस रहता हूँ। ng e7 के बाद वाइट खेलेगा शॉर्ट कैसल। अब ng e7 का मेन टारगेट पर्पस क्या है कि अगर वाइट ने बिशप टेक्स नाइट कर दिया तो हम नाइट टेक्स करेंगे और ये पॉन को वापस से सपोर्ट मिल जाएगा। पर जनरली कोई ओपनिंग में पीसेस एक्सचेंज जल्दी नहीं करते क्योंकि उसका डेवलप हुआ हुआ पीस वो तुरंत नहीं देंगे, तो कैसल यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको खेलना है g6। अब देखो यहाँ पे g6 आपको g6 में एक ध्यान खास रखना है कि मेन लाइन में वाइट अगर कैसल नहीं करता है तो तुरंत g6 हमारे लिए थोड़ा डेंजर है। अगर वाइट यहाँ पे नाइट c3 करता है तो बीवेयर ऑफ नाइट c3, ये खास ध्यान रखो। अगर नाइट c3 में आपने g6 कर दिया तो तुरंत d4 आएगा और उसके बाद e takes d4 और नाइट d5, तो ये वाइट के लिए बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा मूव चेंज करके खेलना होगा। g6 नॉट पॉसिबल। अगर फोर्थ मूव में वाइट नाइट c3 करता है तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नाइट c3 के बदले मेन लाइन है कैसल, आपको g6 करना है, बाद में वाइट c3 करेगा, a6 बिशप a4, इसके बाद बिशप g7 h3, ये बुक मूव है h3। कई बार h3 बाद में करते हैं तो मूव ऑर्डर चेंज होते हैं, लेकिन पोजीशन कोई भी ओपनिंग आप तैयार करते हो तो उसका स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर में ये सारे मूव्स आते ही है, कभी भी उसको करना ही पड़ेगा h3, वरना बिशप g4 आके ब्लैक भी अटैक कर लेगा, हम ही अटैक कर सकते हैं, इसलिए h3 भी उसके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आपको करना है कैसल। कैसल के बाद वाइट खेलेगा d4, अटैक ऑन द सेंटर b5। अब यहाँ पे ध्यान रखना है b5, बिशप b2, b3, bb3 के सामने e takes d4, c takes d4, बाद में d6, लाइट स्क्वायर बिशप आपका ओपन हो गया, नाइट c3, नाइट a5, बिशप c2, उसके बाद c5। सेंटर ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर, re1 h6। ये कुछ मूव्स आपको खास मूव ऑर्डर दोस्तों खास ध्यान रखना है कि h6 ये लियोन आरोनियन की चॉइस है, लेकिन इसके बाद आपको ये 13 मूव हो चुके हैं। 14th मूव में वाइट रुक b1 करता है, बहुत सारे गेम में मैंने देखा है। नाइट ई वाला c6 पे आपको खेलना है, Ne c6, उसके बाद d5, नाइट b4, a3,
नाइट टेक सी टू, क्वीन टेक सी टू, फिर RE8। काफ़ी बेहतर पोजीशन ब्लैक के लिए हो चुकी है यहाँ पे। नाइट आपका A5 वाला नाइट C4 पे भी आ सकता है, और वापस आप नाइट B7 कर सकते हैं। C4 के बिठाने के बाद नाइट बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिव होगा आपका, Nc4 और उसके बाद नाइट E5, ये नेक्स्ट चांस। अगर वाइट ने B3 खेला तो उसका जो डार्क स्क्वायर पर C3 पे जो नाइट पड़ा है वो हैंगिंग हो जाएगा, उसके लिए उसे क्वीन उधर ही रखनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों इसमें थोड़ा ये जो चॉइस थी, जो 13 मूव H6 मतलब यहाँ पे इतने मूव आने के बाद H6, ये है आरोनियन की चॉइस। लेकिन जो बुक जिसने लिखी है, ऑथर की जो चॉइस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि C takes D4 भी अच्छा है। C takes D4, Knight takes D4, उसके बाद Bb7, Bg5, उसके बाद H6, Bf4 और Rc8। दोस्तों ये भी ऑथर की चॉइस है, और लिखने वाले ने बताया कि ये मूव्स भी ब्लैक के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है एक ही ओपनिंग में, तो आप दोनों ऑप्शन ट्राई कीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप खेल सकते हो यहाँ पे। तो ये था हमारा जो आज का लियोन आरोनियन वेरिएशन, उसके बारे में पूरा डीप में आपको दोस्तों खुद ही एनालिसिस करना होगा, और जितना भी हो सकता है मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आप वीडियो बना के एवरी सैटरडे या संडे तो मेरा वीडियो देखना मत भूलिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर भी जरूर कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे मेरे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।